तुम रो क्यों रहे हो शाइनी? दादाजी मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। दादाजी माँ कह रही थी कि शाइनी का दांत टूटने वाला है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? चलो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बैठ जाओ। ये कहानी सुनेंगे। स्केली नाम का एक छोटा सांप था जो जंगल में रहता था, और बिल्कुल तुम दोनों की तरह वो बहुत शरारती था। वो अपने पापा के साथ रहता था। स्केली बस बहुत खेल लिए, चलो जल्दी आ जाओ। ठीक है पापा। लेकिन एक दिन वो बहुत बेचैन होने लगा। आज तुम इतने बेचैन क्यों हो स्केली? पता नहीं पापा, लेकिन मेरे सारे शरीर में खुजली हो रही है। स्केली तुम साफ सफाई तो रखते हो ना? हाँ पापा, मैं दिन में दो बार अपने आप को मिट्टी में रगड़ता हूँ, लेकिन अगले दिन स्केली की खुजली और ज्यादा बढ़ गई। मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है पापा, क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम्हें क्या हो रहा है, अब तुम बड़े हो रहे हो। पर ये सहन नहीं हो रहा है। तब एक दिन बहुत अजीब घटना हुई। पापा पापा ये देखो क्या हो रहा है, ये दर्द बढ़ रहा है। क्या क्या हुआ? देखो यहाँ। ओह अच्छा। पापा आपको तो जरा भी चिंता नहीं हो रही, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे पता है, वो पत्थर दिख रहा है? जाओ अपनी गर्दन को वहाँ जाकर रगड़ो। क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन पापा आप क्यों मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे जिसमें दर्द और होगा? स्केली जाओ और वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अभी जाओ, अभी मेरे बच्चे। ये तो जादू है, मैं तो बिल्कुल नया सांप बन गया। हाँ बिल्कुल, जो तुम्हारे साथ अभी अभी हुआ वो हम सांपों के बड़े होने की प्रक्रिया है। हम अपनी पुरानी चमड़ी से ढके होते हैं, इस दर्द को सहन करके हम कीटाणुओं से भरी पुरानी चमड़ी को छोड़कर नई चमड़ी में आ जाते हैं, समझे? चलो अब तुम बिल्कुल नए नवेले सांप लग रहे हो। हाँ पापा अब मैं समझ गया, अब मैं जाकर अपने दोस्तों को अपनी नई चमड़ी दिखाऊंगा। और बिल्कुल इसी तरह तुम्हारा पुराना कमजोर दांत टूट जाएगा और नया मजबूत दांत उसकी जगह आ जाएगा। संघर्ष हमेशा कुछ अच्छा ही लेकर आता है। जी वैसे भी इसमें तो कीड़ा लगा हुआ है। दादाजी क्या हम ये सारा सामान खरीद लें? ये सब क्या है साशा? मैं इसे अपनी संडे वाली पार्टी में पहनूंगी दादाजी। पर ये कुछ ज्यादा नहीं? तो क्या हुआ दादाजी, मैं सभी से अलग भी तो दिखूंगी, फिर सभी मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है मैं ये खरीद दूंगा, पर पहले मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गा बहुत सी मुर्गियों के साथ रहता था। मुर्गे के पंख रंग बिरंगे थे और खूबसूरत दिखते थे, वो सभी को दिखाकर चिढ़ाता था, यहाँ तक कि किसान को भी वो बहुत पसंद था। पर इसकी वजह से मुर्गा बहुत घमंडी बन गया और वो मुर्गियों को नीचा दिखाने लगा। मुर्गा जी हम एक खेल खेल रहे हैं, क्या आप भी खेलेंगे? जाओ तुम मुर्गियों, तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? क्यों? देखो तो जरा खुद को, सफेद रंग और इतनी मोटी हो तुम सभी, और मुझे देखो तुम्हें फर्क नजर नहीं आता। पर
तुम जैसों के साथ बात करने के अलावा मेरे पास और भी बहुत काम है। कोई बात नहीं, हम तो बहुत सानी हैं, हम खेल सकते हैं, हमें मुर्गे की कोई जरूरत नहीं। पर उसे बात करने की अक्ल नहीं। फिर एक दिन एक चोर फार्म में घुस आया जब किसान सो रहा था। कितना बढ़िया फार्म है, लगता है आज कुछ अच्छा हाथ लगेगा। आहा, मुर्गियां, इनमें से एक या दो को चुरा कर कसाई को बेच सकता हूँ। उनके बदले कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। पर किसे लेकर जाऊं, सब तो एक जैसी हैं। एक मिनट, मुर्गियों को छोड़ो, उस मुर्गे का दाम तो अच्छा मिल जाएगा। कितना सुंदर है ये। अब तुम बचकर नहीं जा सकते मेरे प्यारे मुर्गे, आ जाओ मैं तुम्हें असली घर ले चलता हूँ। पता है हमें किसने बचाया? किसने? हमारे बेरंग पंखों ने। अगर हम भी उतने रंग बिरंगे होते तो वो हमें भी कसाई के पास बेच देता। सही कहा, खास रंग रूप दुआ भी बन सकता है और अभिशाप भी। अच्छा दिखना बुरी बात नहीं है, पर याद रखना कि दूसरों से अलग दिखना कभी कभी परेशानी बन सकता है। हाँ साशा, इसलिए मुर्गा बनने की कोशिश मत करो। चलो बच्चों। माँ माँ, आपके हाथों में वो क्या है? अ चॉकलेट बार। सिर्फ एक? ये किसके लिए है माँ, शाइनी या मेरे लिए? मेरे लिए। नहीं, मेरे लिए। अच्छा रुको, मैं फैसला करूंगी कि किसे देना है। पर मैंने तुमसे कहा था ना खिलौने अलमारी में रखने के लिए। पर तुमने अभी तक काम नहीं किया। हम बाद में कर देंगे माँ, पहले आप हमें चॉकलेट दीजिए। मुझे दो। नहीं, पहले बैठो और ये कहानी सुनो, फिर हम चॉकलेट का फैसला भी कर लेंगे। ये कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक बहुत ही मेहनती मुर्गी थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, जैकी और जॉनी। एक दिन मुर्गी ने केक बनाने का फैसला किया। पता है बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए केक बनाने वाली हूँ। ये मजा आ गया। अब पहले मुझे जाकर सामान लाना होगा, दूध, आटा और चीनी और अंडे, बहुत सारा सामान है। ठीक है मम्मा, जल्दी आना, मैं भी चलता हूँ। सच में तुम बहुत अच्छे बच्चे हो जॉनी। ओह कितना भारी है, बैग वहाँ रख दो जॉनी, और अंडे फ्रिज में रख दो। मम्मा आप आ गए, केक बनकर तैयार हो गया। नहीं बेटा जैकी, अब हमें इसे एक साथ खोलना होगा, मुझे इसके लिए काफी कुछ चाहिए। तो जल्दी करो ना मम्मा, इंतजार नहीं हो रहा। मैं आपको एक एक करके सामान पकड़ाता हूँ मम्मी, बताइए क्या चाहिए। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। और फिर ये तैयार। बाहर निकालने में मैं मदद करता हूँ मम्मी। नहीं जॉनी शुक्रिया, पर ये मैं ही करूँगी, ये गर्म है। ये केक बनकर तैयार हो गया, अब खाते हैं। अब मैं केक काटूंगी बच्चों। ये तुम्हारे लिए जैकी, और ये है तुम्हारे लिए जॉनी। पर मम्मा मुझे इतना छोटा पीस क्यों, जॉनी को तो इतना बड़ा मिला। हाँ बेशक बेटा जैकी, जो लोग काम करते हैं इनाम हमेशा उन्हें ही मिलता है। तो अगर तुम काम पूरा करने में मेरी मदद नहीं करोगे, मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगी। हम समझ गए माँ।
मैं जल्द से जल्द पूरा रूम साफ कर दूंगी। और मैं भी। और फिर तुम्हें तुम्हारा इनाम मिलेगा। क्या हुआ तुम्हें साशा? माँ, मुझे पता है, साशा ने कल आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम? तुमने वो क्यों खाई साशा? तुम्हें खांसी थी ना, किसने दी तुम्हें? वो पीटर की मम्मी ने। ओह, पर तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा एक आइसक्रीम कोन से कुछ नहीं होता। तो तुमने उनकी बात मान ली और भूल गई मैंने क्या कहा था? माँ, गुस्सा मत करना। अरे नहीं नहीं बेटा, चलो अंदर आओ और कुछ गर्म कपड़े पहन लो। आ जाओ यहाँ बैठो, अभी अभी तुमने दवाई खाई है, अब तुम्हें ठीक लगेगा। इस दौरान क्या तुम्हारा कहानी सुनने का मन है? ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक अमीर लड़के के घर में सुनहरी मछली थी। उसने उस मछली को छोटे से कांच के बॉल में रखा हुआ था। वो उस मछली का बहुत ध्यान रखता था। वो उसे खिलाता, उसका टैंक हमेशा साफ रखता और उसे बहुत प्यार भी करता। फिर भी मछली हमेशा दुखी रहती थी। मुझे ये जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इस बाउल में हमेशा फंसी रहती हूँ। मुझे उस लड़के से नफरत है, वो समझता है मैं उसकी गुलाम हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम्हें छोटे से बोल में रहना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मैं समझ गई, और मैं बोर हो गई हूँ। क्या वो लड़का तुम्हें अच्छे से नहीं रखता? नहीं, लेकिन मैं उसके गुलाम नहीं हूँ, उसे क्या लगता है? मैं समझ सकता हूँ, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है। मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, मैं पार्क में डांस कर सकता हूँ, तालाब में तैर सकता हूँ, मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। सुनो, तुम मुझे जलाओ मत। नहीं, मेरी बात सुनो, तुम भी आजाद हो सकती हो अगर तुम चाहो तो। मेरे साथ चलना पसंद करोगी? क्या मैं साथ आ सकती हूँ, लेकिन कैसे? ओह, ये तो बहुत आसान है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलने का वादा करना पड़ेगा। ठीक है, मैं साथ चलूंगी। बहुत बढ़िया, अब जब अगली बार लड़का तुम्हारा टैंक क्लीन करने आए तो। आज रविवार है, आज मैं तुम्हारे घर की अच्छे से सफाई करूंगा गोल्डी। अहा, तुमने कर दिखाया। चलो अब चलें, मैं तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। लेकिन मुझे पानी चाहिए, जिंदा नहीं रह सकती पानी के बिना। उप्स, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। लेकिन तभी लड़के ने गोल्डी को खिड़की से देख लिया और उसने गोल्डी को लाकर वापस पानी में डाल दिया। नहीं तो? हाँ माँ, अब मैं समझ गई। कभी कभी लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन गलत सलाह दे देते हैं। पर हमें खुद समझना चाहिए हमारे लिए क्या सही है और वही करना चाहिए। कितनी अच्छी कहानी थी माँ। हाँ बिल्कुल। अब तुम थोड़ा आराम करो, बाद में मिलती हूँ। आज हमारे इस प्यारे से बच्चे शाइनी को क्या परेशानी हो गई है? दादाजी, एकता में शक्ति, इसका क्या मतलब होता है? ओ, इतना बड़ा वाक्य तुमने कहाँ सुन लिया? हमारे टीचर ने हमें बताया। ठीक है, ये समझने में बहुत आसान है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। एक बार एक फार्म में एक मुर्गी अपने 10 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनमें से 5 बच्चे सफेद थे और 5 भूरे थे, लेकिन ये बच्चे आपस में बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं थे। सफेद बच्चे हमेशा भूरे बच्चों से लड़ते रहते थे, बिना मतलब की छोटी छोटी चीजों के लिए।
बच्चों बच्चों, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम सभी भाई हो। माँ, ये बूढ़े बच्चे हमेशा लड़ाई शुरू करते हैं। नहीं, ये सफेद वाले करते हैं। माँ, क्या इनके साथ रहना जरूरी है? हाँ, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तुम सभी एक ही माँ के बच्चे हो, तुम्हें हमेशा साथ रहना चाहिए। ओ मेरे बच्चों, इन्हें क्या हो गया है? हर रोज लड़ाई बढ़ती ही जाती, वो बिल्कुल हिंसक बन गए थे। माँ, ये बूढ़े वाले अपनी हदें पार कर चुके हैं। ये फार्म का सबसे अच्छा हिस्सा खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये सबसे अच्छा दाना खाते हैं, और सबसे अच्छे फोन्स पर सोते हैं। क्या बचा हमारे लिए? ऐसा कहा? तुमने सबसे अच्छी चीजें हमसे ले ली। तुम चोर हो, तुमने शिकायत कैसे की? प्लीज शांत हो जाओ। नहीं, हमें अलग कर दो माँ, अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल, चलो अपनी चीजें लेते हैं और चलते हैं। ठीक है, ठीक है। रुको, तुम कल चले जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी चीजें दे दूंगी, और तुम जा सकते हो, चले जाना। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अरे ये क्या, ये तो भेड़िया आ गया। सुनो बच्चों, सुनो, हमें घबराना नहीं है। अगर हम एक साथ रहेंगे, हम इस भेड़िये को हरा सकते हैं। याद रखना, वो एक है और हम 11। ये हम सभी का आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, अब वक्त है एक साथ रहने का और उसे हराने का। याद है, एकता में शक्ति है। ये परिवार पागल है, पागल कहीं के, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इस तरह से उन्होंने भेड़िये को भगा दिया और वो कभी वापस नहीं आया। और सबसे अच्छी बात, उन्हें समझ में आ गया कि एक साथ रहने से अच्छी और कोई बात नहीं होती। कितनी मजेदार कहानी थी दादाजी, अब मैं समझ गया हूँ एकता में शक्ति का क्या मतलब होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख थी, है ना? हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।